Before starting our video, please subscribe to our channel, hit that bell icon so that you get notified whenever I post any video. Welcome back again our dream world. So आज जो last video जो मैंने छोड़ा था उसका ending इस video में हम करेंगे और मैं सब कुछ बताऊंगी जो आप लोग normally कहते हो. Last video में मैंने बताया नहीं था तो इस बार मैं बताऊंगी, हाँ पक्का बताऊंगी. तो जब 9th 10th में जब मेरे साथ वो सब होने लगा था तो मैं वैसे भी अकेला फील करने लगी थी. सबके पास मोबाइल फोन्स रहते हैं, सब किसी ना किसी को चैट करने में यूज लेते हैं, तो मैंने वहां सोचा कुछ इंटरेस्टिंग सा करते हैं. तो मैंने इंस्टाग्राम डाउनलोड किया था, कुछ न्यू डेज थे उस वक्त. तो इंस्टाग्राम डाउनलोड करने के बाद में मैंने सर्च किए, काफी ब्लॉगर्स थे, मुझे उनमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आया. मैंने उनकी प्रोफाइल सर्च की, बहुत सारे ब्लॉगर्स को फॉलो करना शुरू किया कि वो लोग कैसे करते हैं, क्या ये काम है, क्या इंटरेस्ट है इसमें, उनको क्या फायदा होता है, क्या पब्लिक को फायदा होता है. मैंने बहुत सारी रिसर्चेस की. फिर देन आई स्टार्टेड माई ओन पेज ऑन इंस्टाग्राम विच इज विथ नेम ऑफ प्रिंसेस देविका वन. सो जब मैं छोटी थी, सिंपल सी बात है, जब मैं 10th में थी तो मैं सिर्फ 16 इयर्स की थी शायद, हाँ 16 इयर्स की थी. तो आई वाज लाइक कि मुझे कोई और नाम मिला ही नहीं, मैं पापा की प्रिंसेस मुझे खुद को कहा करती थी. तो आई नेम माय पेज विद प्रिंसेस देविका एंड ड्रीम वर्ल्ड, बिकॉज मेरे ख्वाबों में बहुत सारे, मैं बहुत सारे सपने रखती हूँ अपने पास, जो मेरे पास बहुत सारे ड्रीम्स है कि किसी ना किसी को कैसे ना कैसे करके मुझे उनको पूरा करना है. तो मैंने अपने ब्लॉग का नाम रखा ड्रीम वर्ल्ड. तो सबका एक क्वेश्चन रहता है इसमें अर्निंग कितनी है, क्योंकि मैं आप सबको पहले कहूंगी कि आप स्टार्टिंग कर रहे हो तो अर्निंग को मत देखो. अर्निंग होगी बट स्लोली स्लोली होगी, एकदम से नहीं हो सकती अर्निंग. अर्निंग मैं बताती हूँ, एक पोस्ट का 100 से लेके 1000 प्लस भी हो सकता है. इट डिपेंड्स कि आप कितने लोगों को इंटरेक्ट कर सकते हो, कितने लोगों के साथ आप एक रिलेशन बना सकते हो. आपको आपके फॉलोअर्स के साथ एक रिलेशन बनाना होगा, मतलब आपके कोई फ्रेंड्स है तो उनके साथ रिलेशन बनाना होगा. और रिलेशन कैसे बनेगा, आपकी टॉकिंग स्किल्स के साथ, आपकी रिप्लाईज के साथ, आपकी स्टोरीज के साथ, आपकी पोस्ट के साथ. तो आपको पोस्ट को इतना इंटरेक्टिव करना होगा रेगुलर बेसिस पे, तो जिससे ही वो स्टार्ट होगा. जब मेरे साथ 10th में और 12th में वो सब हुआ तो आई स्टॉप्ड, मतलब मैंने अपना पेज स्टॉप कर दिया. उसकी वजह से पहले आई वॉज हैविंग, मेरे पास थे 11K फॉलोअर्स और नाउ दे आर एट 10.5. बिकॉज जब एक पेज बंद हो जाता है तो लोगों को इंट्रेक्शन होना कम हो जाता है, दे स्टार्टेड अनफॉलोइंग मी. सो अभी मैंने वापस अपना पेज स्टार्ट किया. तो दैट हाउ टू, एक और क्वेश्चन रहता है आप सबका कि हाउ यू हैव टू मतलब कॉन्टेक्ट विथ ब्रांड ब्रांड्स. तो उसका एक है कि पहले आप अपना पेज को ग्रो करेंगे तो धीरे धीरे आपको खुद वो लोग कॉन्टेक्ट करेंगे. मुझे खुद ही कॉन्टेक्ट आने शुरू हो गए थे धीरे धीरे. और फर्स्ट यू वॉन्ट टू ट्राई, तो आप देख सकते हो कि काफी इंस्टाग्राम पे पेजेस है, काफी मतलब पेजेस आप रेगुलर बेसिस पे देखोगे, उनको आप मैसेज करो, वो आपको इंटरेक्शन देंगे. पहले आपको खुद के बाय करके प्रोडक्ट को प्रमोट करना होगा. अगर उन लोगों को अच्छी लगी, बायर्स को अच्छी लगने लगे तो वो लोग इंटरेक्ट होंगे. इंटरेक्ट होने के बाद में वो लोग आपका वीडियो जरूर देखेंगे, आपके पेज को देखेंगे, भाई इस बंदे के, इस गर्ल के रिव्यूज में कुछ दम है, तो हम हमारे प्रोडक्ट्स उनको दे सकते हैं. तो आपको नॉर्मल जाके इंस्टाग्राम डीएम करना है, उनको मेल कर सकते हो, व्हाटएवर, दे विल कोलैबोरेट विथ यू, जो बहुत ही इजी होता है किसी के लिए भी. बस जो चीज मैंने कही वो ये है कि यू हैव टू मेक योर कंटेंट फर्स्ट, आपको खुद का कंटेंट करना है. दूसरा, मैं जो अभी काम कर रही हूँ ब्लॉगिंग के अलावा, जो मैंने ब्लॉगिंग छोड़ दी थी तो उस वक्त मैंने एक काम किया, वो है सेलिंग एंड बाइंग का. तो उसमें मैं खुद से नहीं आई, मुझे उसमें भी ब्रांड ने ही प्रमोट, मतलब ब्रांड ने ही इन्वॉल्व किया. तो ब्रांड हमेशा क्या होता है, जब आपका काम अच्छा लगेगा तो आपको लोग पकड़ने लगेंगे कि इट इज, शी इज ट्रस्टेबल, शी इज गुड, वो खुद आपको कॉन्टेक्ट करना शुरू कर देंगे.
दे मतलब वो चाहते थे कि उनके प्रोडक्ट्स की सेलिंग मैं बढ़ाऊं, उनको प्रोडक्ट को प्रमोट करूं मैं, तो उन्होंने खुद ने मुझे अपना डील दिया। धीरे धीरे जैसे काम बढ़ता गया तो आपका अपने आप कॉन्टेक्ट बढ़ना शुरू हो जाएंगे। उसके लिए सबसे पहली चीज जो होती है वो ये है कि आपका एक ग्रुप होना चाहिए, इंस्टाग्राम पे हुआ या अपना फ्रेंड्स ग्रुप हुआ, अपना बहुत मतलब रेगुलर बेसिस पे फैमिली ग्रुप हुआ, जो बहुत ज्यादा आपको सपोर्ट करता है, क्योंकि ग्रुप्स मैटर करते हैं कि आप एक ब्रांड की कितनी सेलिंग्स बढ़ा सकते हो। और दूसरी चीज, ऐसा नहीं है कि वी ब्लॉगर्स आर डूइंग फॉर फ्री प्रोडक्ट्स, वी हैव टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर दैट, लाइक एक वीडियो बनाना, वीडियो बनाने के अलावा हमको ब्लॉग पोस्ट डालना पड़ता है, ब्लॉग पोस्ट मतलब एक फुल आर्टिकल ऑन द प्रोडक्ट। फिर हो गया पिक्स क्लिक करना, पिक्स क्लिक करना बिल्कुल आसान नहीं है, हमको बहुत ज्यादा एंगल से पिक्स क्लिक करनी होती है, जो क्लियरिटी चाहिए होती है ब्रांड को। सम ब्रांड लाइक बहुत ज्यादा रूल्स देती है कि वी वॉन्ट योर एक्सपीरियंस ऑन दीज साइट्स, और वो हमको ये फोर्स नहीं करती कि सिर्फ पॉजिटिव ही दो, वो हमारी इच्छा है कि जो हमको अच्छा लगा हम उसका उतना ही रिव्यू देंगे, वॉट एवर। बट इन ब्लॉगिंग इट इज द केस, सो हम जैसे धीरे धीरे होता है उनको ग्रो करने के लिए, हमको बस ये है कि हमारा ट्रस्ट मेंटेन करना शुरू करना होगा, हमारी फैमिली बढ़ानी होगी, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, जब हमारी फैमिली इंक्रीज होगी तो हमारा जान पहचान वाला इंक्रीज होगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल हियर मेरे पास एक फ्रेंड है, ऑनलाइन फ्रेंड है, उसका नाम है रजत, इट्स एन एग्जाम्पल, मान लो रजत, उसको मेरा काम बहुत अच्छा लगता है, मैं उसके साथ बहुत पर्सनली इंटरेक्ट करती हूँ, उसको जो भी हेल्प चाहिए होती है मैं उसको हेल्प करती हूँ कि रजत आपको ऐसा करना है, आप मैं एक वीडियो डालूंगी उससे आपको ऐसी हेल्प होगी, आपको भी हेल्प चाहिए मैं दूंगी, आपके पेरेंट्स को ऐसे समझाओ, तो दैट्स माई मतलब मेरी एक तरीका है कि मैं अपने फॉलोअर को कैसे बहुत अच्छा फील करा सकती हूँ। रजत को काम अच्छा लगा, रजत अपने फ्रेंड्स के पास जाएगा कि एक इंस्टाग्राम पे नाम है, एक मैम है, उनका नाम है देविका, तो वो बहुत हेल्प करती है, आप बस आपको मैसेज करना होता है और वो हेल्प करेगी, और वो आपको फॉलो बैक भी करती है, वो आपको ऐसे नॉर्मल पीपल नहीं समझती है, ऐसे फैमिली समझती है। तो एक एग्जाम्पल है कि आप अपने बायर अपनी फैमिली बना सकते हैं, तो इसका सारा गेम प्लान है रिलेशन होना एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा जरूरी है। गोल चक्कर कैसे चलेगा, जब रिलेशन इसके साथ अच्छा बनेगा तो इसको बोलेगा, इसके साथ अच्छा बनेगा तो इसको बोलेगा, इसके साथ अच्छा बनेगा तो इसको बोलेगा, तो यही रिलेशन बनके एक फैमिली बनती है, वो हो आप लोग। तो आप लोगों को सो सो मच थैंक यू कि मेरे इतने अच्छे फैमिली मेंबर्स हो आप लोग। और एक और चीज आप लोग बोल रहे थे कि हाउ मच आई अर्न, सो मैंने कहा एक प्रोडक्ट पे 10 से लेके 1000 तक पोस्ट इंस्टा पे जाती है, वैसे ही अगर आप ऑनलाइन सेलिंग कर रहे हो तो उस पे 10 से लेके जितना प्रोडक्ट है उतना ही हम लोग के पास प्रॉफिट रह जाता है। कुछ वेबसाइट्स भी है, शायद मैं नाम नहीं बोलूंगी क्योंकि एक तरह से प्रमोशन हो जाएगा उन साइट्स का, काफी वेबसाइट्स देखी है मैंने अभी जो जिसमें हम लोगों को खुद को प्रोडक्ट नहीं बाय करना होता है, हमको दूसरे को बाय करवाना होता है और उस पे हम अपना कमीशन रख सकते हैं, लाइक 50, 60, 70 दैट वॉज कमीशन, और हमको बस सेलिंग करना होता, हम लोग को कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना होता, तो वो उसी तरीके से वर्क करता है। दैट वॉज अ गेम ओनली कि फैमिली बढ़ाओ और पैसा अर्न करो। तो गाइस, पैसा अर्न करना इतना आसान नहीं है, बहुत मेहनत लगती है, रात भर मुझे जागना होता है 2-2 बजे तक, आई हैव टू हैंडल पीपल्स, जब कॉलेज में रहती हूँ तो बहुत परेशान हो जाते हैं वो लोग, तो उनको आने के बाद में हैंडल करना, उनको कहना कि दिस इज नॉट रॉन्ग, दिस इज राइट, आपका पेमेंट स्लेट का आपका रिटर्न इसलिए हो गया, आपने रिटर्न क्यों कर दिया, रिफंड्स वगैरह सब का मतलब बहुत लेट तक कॉल और चैट्स पे बात करनी पड़ती है, तो सारा काम बहुत ही आसान नहीं कह सकती हूँ क्योंकि बहुत हार्ड होता है सब, बहुत हार्ड मतलब बहुत हार्ड।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज गाइज सब्सक्राइब कर दो. मैं कुछ ऐसे ही वीडियोज रेगुलर बेसिस पे लाऊंगी जहाँ पे आपको काफी प्रोडक्ट्स के रिव्यूज मिलेंगे, जो प्रोडक्ट्स आपने आपके पास है बट आपको यूज करने नहीं आते, प्रोडक्ट्स जो आपको इन फ्यूचर नीड ही होंगे उन सबके रिव्यूज डालूंगी. जो प्रोडक्ट आपको पसंद आए इसी को लाइक करना, मैं नहीं कह रही कि लाइक करो बट प्लीज सब्सक्राइब कर दो, योर सपोर्ट मीन्स अ लॉट टू मी.